गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा है और मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, एक छोटा सा टॉपिक अभी का ट्रेस भी पढ़ा था हमने और इसके जस्ट बाद में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का योगफल, आव्यूह का घटाना, व्यकलन और आव्यूह का गुणनफल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का योगफल, आव्यूह का व्यकलन बिल्कुल साधारण सिंपल है और आव्यूह का गुणनफल भी बिल्कुल आसान होने वाला है स्टूडेंट्स। आज की क्लास लेने के बाद में आपको आव्यूह, दो आव्यूह हो चाहे तीन आव्यूह हो, कितने भी आव्यूह हैं, उनको आपस में गुणा करना बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो आज की क्लास लेने के बाद में आपको लगेगा कि कोई भी आव्यूह दे दे उसको हम बिल्कुल आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम दो आव्यूह का योगफल और उसका व्यकलन और उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका गुणनफल तो देखते हैं स्टूडेंट्स। आज हम ये हमारे पास में एक आव्यूह है जिसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि ये हमारे पास ए आई जे है और एम इंटू एन क्रम का है और दूसरा हमारे पास में एक आव्यूह बी है जिसके आव्यूह हमारे पास में बी आई जे है और ये भी हमारे पास में एम इंटू एन क्रम का है। तब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों आव्यूहों को कैसे जोड़ सकते हैं, तो इनके लिए हमारे पास में हम पहला टॉपिक ले रहे हैं एडिशन, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आव्यूह, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूह का योगफल, दो आव्यूह का योगफल, ये हमारे पास में टॉपिक है पहला। तो हम ए और प्लस बी की बात करें तो हमारे पास में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो आव्यूह का योगफल कब हो सकता है। यदि इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाल के लिख सकते हैं हम, यदि दोनों आव्यूह, दोनों आव्यूह की कोटि समान है, कोटि समान है, समान है अर्थात ए की कोटि बराबर क्या है, बी की कोटि, दोनों आव्यूह की कोटि यदि समान है, यदि ये एम गुणा एन कोटि का है तो बी भी एम गुणा एन कोटि का होना आवश्यक है। दो आव्यूह का योगफल कब संभव है, यदि दोनों आव्यूह की कोटि समान है, मतलब दोनों समान ऑर्डर के, इक्वल ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं हमारे पास में, दोनों समान क्रम के आव्यूह हैं, तब ही हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों आव्यूह का एडिशन कर सकते हैं, दोनों आव्यूह का योगफल कर सकते हैं। तो हमारे पास में हमने दोनों ही आव्यूह, आव्यूह ए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दोनों की ही कोटि हमने एम क्रॉस एन और एम क्रॉस एन इक्वल ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, और यदि इक्वल ऑर्डर के मतलब समान कोटि के मैट्रिक्स हैं तब उनका आसानी से योगफल किया जा सकता है। तो इसकी हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि दो आव्यूह यदि हमारे पास में इक्वल ऑर्डर के हैं, कोटि समान है, तब उनका क्या हो सकता है, योगफल किया जा सकता है, उनका योग एडिशन किया जा सकता है। अब उनको लिखेंगे कैसे कि उनके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे और दूसरा जो है उसका जो एलिमेंट्स ए आव्यूह है उसका एलिमेंट और बी आव्यूह है उसका
एक समान कोटि के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। यदि हमारे पास में अवयव ए और बी हैं तो ए का और बी के समान कोटि के अवयवों को आपस में जोड़ देंगे, समान कोटि के ए के और बी के समान कोटि के अवयवों को जोड़ देंगे। यदि ए में 1 2 है तो बी में भी क्या होगा, 1 2 होगा। यदि अवयव ए का एक अवयव ए 1 1 ले रहे हैं तो अवयव बी का भी अवयव बी 1 1 ही होगा। यदि इसकी और इसकी कोटि समान है, 1 1 1 2 है तो इसकी भी 1 2, इसकी 2 2 है तो यहां भी 2 2। मतलब संगत कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है और ये कोटि हमारे पास में एम गुणा एन ही आती है। दोनों के योगफल से जो हमारे पास में अवयव आएगा उसकी कोटि ए की और बी की जो कोटि थी वही कोटि आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि ए की कोटि हमारे पास में एम क्रॉस एन है और बी की कोटि एम क्रॉस एन है तो ए प्लस बी की कोटि हमारे पास में क्या आएगी, एम क्रॉस एन। सेकेंड पॉइंट यही था, ए प्लस बी की कोटि क्या होगी, एम क्रॉस एन। यदि यदि ए की कोटि एम क्रॉस एन है और बी की कोटि भी क्या है हमारे पास में, बी की कोटि एम क्रॉस एन है। यदि ए और बी की कोटि हमारे पास में एम क्रॉस एन है दोनों की, तो उनके योगफल से ए प्लस बी से जो भी मैट्रिक्स आता है उसकी कोटि भी एम क्रॉस एन ही आती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, दो अवयवों का योगफल आसानी से कर सकते हैं। पहला जो अवयव है उसको प्लस दूसरा अवयव, पहले अवयव का जो अवयव लेंगे उतनी ही कोटि का दूसरे अवयव से अवयव लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। इससे हमारे पास में दोनों अवयवों का योगफल से प्राप्त अवयव मिलेगा। अब हम इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले रहे हैं। अवयव ए हमारे पास में है, ध्यान देना अच्छी तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 5 6, ये हमारे पास में 3 × 3 कोटि का एक अवयव है। कोई जरूरी नहीं कि हम जो अवयव ले वो वर्ग मैट्रिक्स ही हो, वर्ग अवयव ही हो, कैसा भी अवयव ले सकते हैं, लेकिन जो अवयव एक ही को कोटि है वही कोटि बी की लेनी होती है। ये ध्यान रखना, इसकी यदि 2 3 × 3 की है तो यहां इसकी भी हम 3 × 3 की ही लेंगे। तो ये हमारे पास में 2 3 5 ये हम ले रहे हैं 2, और यहां 1 5 और ये है 4, ये हमारे पास 7 और ये है 3 और ये हमारे पास में 7। अब हमने दो अवयव ए और बी लिया है, दोनों की कोटि समान है, ये भी 3 × 3 का, ये भी 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अब हम इनका योगफल करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ए प्लस बी लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमने देखा इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से ऐड होगा, एक का किससे ऐड करेंगे, 2 से, एक का 2 से, फिर 2 का किससे करेंगे, 3 से, 2 + 3, फिर 3 का किससे करेंगे, 5 से, तो ये क्या आएगा हमारे पास में, 3 + 5, इस प्रकार से। अब 4 का किससे करेंगे, 1 से, तो ये आएगा 4 + 1, और 1 का किससे करेंगे, 5 से, तो 1 + 5, 2 का किससे करेंगे, 4 से, 2 + 4, 3 का किससे, 7 से, 3 + 7, 5 का 3 से, 5 + 3, और 6 का किससे करेंगे, 7 से, 6 + 7। तो देखो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव से, इसका पहली पंक्ति का दूसरा अवयव इसकी पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से, और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव पहली पंक्ति के तीसरे अवयव से ऐड किया जाता है। इस प्रकार से हम दो अवयवों का योगफल कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं तो a प्लस बी हमारे पास में क्या आता है ये देखते हैं।
ये हमारे पास में आता है 3, ये हमारे पास में आता है 5, ये हमारे पास में आता है 8, ये हमारे पास में 5, ये 6 और ये 6, 4 + 1 = 5, 6, 6 और ये हमारे पास में है 10 और ये हमारे पास में 8 और ये हमारे पास में है 13 और इसकी कोटि हमारे पास में देख लीजिए 3 × 3 कोटि का ही मैट्रिक्स है। इसलिए दो अवयव को यदि हम योगफल करते हैं तो जो अवयव उन दोनों की जो कोटि होती है वही उनके योगफल में कोटि आती है और जोड़ हमारे पास में बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार से हम किसी भी दो अवयव का योगफल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में दो अवयव का सबट्रैक्शन, दो अवयव का व्यकलन, जो बिल्कुल सिंपल है, उतार सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको उतारते हैं। तब तक मैं इसमें इंक डालता हूं, ध्यान रखें। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये आपका एडिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों का व्यकलन या गठाना। दो अवयवों का व्यकलन दूसरा टॉपिक है हमारे पास में, दो अवयवों का व्यकलन गठाना, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा और इसके जस्ट बाद में हम बताने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स अब हमने आज एडिशन बताया है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शेष पार्ट डालने वाले हैं। थैंक यू।